1 अगस्त 2002 हम तीन पंटर ऋतिक सलमान और मैं माधवन बॉलीवुड में एक के बाद एक फिल्म डूबने के बाद सोचा था कि मेडिकल कोर्स करेंगे डॉक्टर बनेंगे। मन में आया कि केएमसी मैंगलोर अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है, तुरंत एडमिशन लिया और केएमसी विजय आ पहुंचे। सोचा था कि पढ़ेंगे, सोचा था कि लड़की पटाएंगे। अबे यार, यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए और कोई लड़की पटी ही नहीं। मैंने सोचा था कि कभी खुशी कभी गम होगा, पर यार यहाँ तो गम ही गम है। अल्लाह, मैं भी तो सोचा था यहाँ का साजन बनूंगा, पर मैं तो खामोशी से देवदास बन गया। तुम लोगों को लड़कियों के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं। एग्जाम्स के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। एग्जाम्स को छोड़ यार, जो होगा देखा जाएगा। जोर से बोल। थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या जो ना है होगा। चल पड़े हैं धुएं में उड़ा के जाने क्या होगा हमारे, जाने क्या होगा माला। हम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आ गई बॉलीवुड से करीना ऐश और दिया। हाय करीना, बॉलीवुड से केएमसी में रिफ्यूजी बन गई। ना तुम जानो ना हम, पर अब तो हम आ ही गए हैं और एग्जाम्स के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। डोंट वरी, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। एनाटॉमी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और फिजियोलॉजी कौन पढ़ाएगा? फिजियोलॉजी वो तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। और जो भी बचा है वो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। चल चल, अभी शुरू करते हैं। और यूं ही चलता रहा। हम तीनों को आता तो कुछ नहीं था, पर पढ़ाने में लग गए। फिर एक दिन वो ऋतिक, उसको तो कुछ भी नहीं आता। ऑस्टियोलॉजी बोल के स्लाइड्स पढ़ाने लगता है और हिस्टोलॉजी में बोन्स पढ़ाता है और फिर कहता है कि आप मुझे अच्छे लगने लगे और उसके बाद कहो ना प्यार है। और वो सल्लू भी ऐसा ही निकला। पहले कहता है कुछ कुछ होता है, फिर मैंने प्यार किया, फिर हम दिल दे चुके सनम और अब हम तुम्हारे हैं सनम। माधवन को तो मैं डीसेंट समझती थी, सिर्फ दिल विल प्यार व्यार की बातें की और बाद में कहने लगा कि रहना है तेरे दिल में। इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। चलो हम करिश्मा से मदद लेते हैं। अपने आप को मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया पैसिफिक समझने वाली लड़कियां गई सीनियर्स धर्मेंद्र, देवानंद और अमिताभ के पास। और वापस आते ही उन्हें मिल गए हम तीन पंटर। कहीं चलते हैं और करते हैं मौजी मौज। हे साला चंदालो, है अमिताभ नाम है मेरा, मालूम बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम लोगों को। पहले लड़की पटाना, फिर मोटरसाइकिल के पीछे चिप
गा के बिठाना, फिर बीच बीच में ब्रेक लगाना, यही ना? पीछे से करंट आता है क्या? और जब कोई नई मूवी लगी तो चलो फिल्म देखने चलते हैं, और अंधेरे में कोई फिल्म लगी वो भी हेड सर्टिफिकेट की, और किसी फ्रेंड का खाली कमरा मिला, आई लव यू बोला और हनीमून मना डाला, यही ना? अगले दिन हम आपके हैं कौन, हैं? यही ना? जूनियर्स, तुम जूल छोड़ के दिल थीप बना चाहते थे, तो मुझ जैसे गाइड की मदद लेना था, तुम तो देश प्रदेश आकर दुल्हन ले जाना चाहते थे, अब तो परदेसी बाबू अगर पटाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हरे रामा हरे कृष्णा कर दूंगा कर दूंगा। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये पंजाब के शेर का 2.5 किलो का हाथ है, जब ये किसी आदमी पे पड़ता है तो आदमी झटकना भूल जाता है बिच्छू, आदमी उठता ही नहीं उठ ही जाता है। चल हट, चलो फोटो 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 फोटो। ये डायलॉग सुन के इंप्रेस हो गई करिश्मा और सहेलियां, और आ गई इन लोगों के पास। उस रात हॉस्टल वापस जा रही थी करीना, ऐश और दिया। तभी चलो चलो जल्दी चलो, 10:30 बज गए और यहाँ कोई ऑटो भी तो नहीं। हमारे बीच में
आपने तो कमाल कर दिया सर, क्या प्लान बनाया था आपने, हमारी तो लाइफ बन गई सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, मेरे भी तो लौंडिया पड़ गए हैं मालूम। सर सर, जोश में आके मैंने आपकी पुंगी बजा डाली, बुरा तो नहीं लगा सर? प्यार में ये सब चलता है, आज वैजंती ने प्रपोज किया है, सोच रहा था क्या करूं, जीनत भी तो है। सर अगर उन लोगों को पता चल गया तो? अबे इडली बड़े, जो भी सोचेगा साउथ इंडियन ही सोचेगा। उन्हें पता लग नहीं जाए बच्चों, उन्हें पता लग चुका है, अब तुम्हारी केयर नहीं। अबे इडली वड़ा तो मैं तुम्हारा बना दूंगी। अगस्त 2002 हम तीन पंटर गेम्स में आए थे, सोचा था कि लड़की बताएंगे, अपनी लग गई।